आप लोग को जो कि दिखाएंगे और बताने वाले हैं तो क्या है रिपोर्ट में और क्या, आप लोग भी प्लीज देखिएगा और बताइएगा जो कि इतने महीने में जो कि मिनिमम मैंने इतना वजन रहना चाहिए कि नहीं। तो ये है जो कि अगले महीने का डेट, हाँ ये देख सकते हो जो कि अगले महीने का है। और अभी जो कि देख सकते हो कितना है, इधर दिखाई दे रहा है। डॉक्टर बोली कि अगली बार से मैंने अपने हस्बैंड को भी लेके आने का, रिलेटिव मैंने चाहिए, अपने फैमिली मेंबर चाहिए, नहीं तो जो कि अंदर जो कि एंट्री नहीं लेंगे। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं और आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों जो कि हम लोग इतने दिन बाद जो कि ब्लॉग शूट कर रहे हैं, तो उसका भी कुछ रीजन है, तो क्यों और क्या हुआ था तो ये नहीं बताएंगे, बट कुछ रीजन है उसका। इसके लिए हम लोग इतने दिन तक जो कि वीडियो नहीं बना पाए और आप लोग को जो कि कंटेंट नहीं दे पाए, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले, आप लोग थंबनेल देख के आए ही होंगे, तो दोस्तों वही हम लोग आप लोग को जो कि दिखाएंगे और बताने वाले हैं तो क्या है रिपोर्ट में और क्या नहीं। आप लोगों को पता रहेगा तो बताइएगा। डॉक्टर तो देखा था उस दिन, डॉक्टर नहीं था, दूसरा ही कोई कोई था, पर वो भी डॉक्टर तो था। सोनोग्राफी जो कि हुआ था, तो अभी क्या हुआ है क्या नहीं मैं भी देखा नहीं है, बट इतने दिन से अभी नीमा 23 तारीख का ही कराई थी ना, 23 तारीख का ही कराई थी, बट वीडियो हम लोग नहीं बना पाए क्योंकि कुछ बात था इसलिए और बता नहीं सकते हम लोग। तो सोनोग्राफी यही है। तो दोस्तों सोनोग्राफी का जो कि यही रिपोर्ट आया है और देख सकते हैं आप लोग। सो इसमें वेट का दिया है कि नहीं। तो दोस्तों वेट का भी दिया है और अगला बार कितना था, अगला बार का तो है ना सोनोग्राफी का यही है ना, तो दोस्तों आप लोग को दिखाते हैं ऐसे बने रहे आप लोग ब्लॉग में। तो अगले बार का भी दिखाएंगे और इस बार का भी दिखाएंगे कि बेबी का वेट जो कि बढ़ा है कि नहीं, मैं भी देखा नहीं हूँ, तो बस वही अपने को देखने का है। तो आप लोग भी प्लीज देखिएगा और बताइएगा जो कि इस मैंने इतने महीने में जो कि मिनिमम मैंने इतना वजन रहना चाहिए कि नहीं, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा, आप लोग को मालूम होगा। तो हमें तो नहीं मालूम है क्योंकि फर्स्ट टाइम है दोस्तों इसके लिए हम लोग जो कि, तो इतना कुछ मालूम नहीं है। तो दोस्तों अगले बार जो की था, दोस्तों ये है जो कि अगले महीने का डेट, हाँ ये देख सकते हो जो कि अगले महीने का है और नहीं दिखाई दे रहा है, तो दिखाते आप लोग को ध्यान से, शायद ये ना फट जाए नहीं तो सिस्टर लो इनको बोलेगी नहीं होगा। तो ये था जो कि 371 वेट ऐसा कुछ करके है और 71 और अभी जो कि देख सकते हो कितना है। तो फेटल वेट जो कि इधर दिखाई दे रहा है 717 कुछ करके है, 717 50%। तो दोस्तों यही था और ये तो भी देख सकते हो सोनोग्राफी का जो कि सोनोग्राफी इतना ही दोस्तों होता है, देख सकते हो आप लोग इधर का सोनोग्राफी का इतना ही जो कि मिलता है। तो पूरा मैंने जैसे अभी हम लोग प्राइवेट में जैसे कराते हैं ना, हाँ प्राइवेट में जैसे कराते हैं तो पूरा वो लोग देते हैं, कई तरह मैंने कई कई तरह के देते हैं, हाँ पैसा भी लेते हैं। और सरकारी में क्या है कि जो कि फ्री में होता है सब कुछ, बच्चा लोग देख लेते हैं कि अच्छा है कि नहीं है, फिर उतना ही वो लोग देते हैं, बस डॉक्टर को जितना मांगता है उतना ही देते हैं। तो यही सब है और देख सकते हो यही जो कि सोनोग्राफी का रिपोर्ट है और ये टोटल जो कि जो भी लिखा है, अब अपना हमको तो उतना मालूम नहीं है, बट अभी डॉक्टर ही लोग बताए, बट सब सब नॉर्मल होता है, आप लोग बताइएगा वो लोग क्या बताए, डॉक्टर क्या होता है, सही ना। तो और कुछ बेबी के बारे में, तो दोस्तों सब कुछ जो कि सही है और आप लोग का क्या रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। तो जो भी मैं पूछा हूँ बस दोस्तों यही बताना था और दिखाना था आप लोग को। आगे आगे देते जा रहे हैं। और अभी का जो कि डेट फिर जो कि बढ़ा है क्या, तो अभी का जो कि 11 तारीख हो गया दोस्तों, 11/7 है, 11/7 का डेट जो कि मिला है। और अगली बार सोनोग्राफी में मालूम था 9/7 था,
नौ तारीख सात सात का महीना। हाँ पहले वाले में सात था, फिर दूसरे वाले में नौ तारीख दिया, इसमें तो ग्यारह तारीख दिया। तो अभी जो कि फाइनल डेट फिक्स नहीं है, सो फाइनल डेट तो मिलेगा अगले महीने या तो आठवें महीने में। ऐसा नहीं तो आप लोग को भी दिखाएंगे तो बताएंगे। किसी किसी का ऐसा नहीं रहता, डेट पे नहीं होता है, किसी किसी का ऐसा रहता है कि नोवा लगते हैं कि दो तीन दिन डेट से पहले या तो डेट के बाद या तो डेट पे ही होता है। तो अगर डेट के बाद होएगा तो लोग भर्ती तुरंत ले लेते हैं इधर। बहुत कम लोग का है कि जो मतलब डेट पे एकदम तारीख पे ही होता है, बहुत कम लोग का। वही बोल रहे हैं, या तो डेट से अगर ज्यादा भी हो जाता है और ज्यादा होता है तो या तो डेट से पहले दो दिन हो जाएगा, और नहीं तो ज्यादा दो चार दिन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जो हफ्ता दो हफ्ता पंद्रह बीस दिन ज्यादा हो जाएगा तो तुरंत एडमिट ले लेंगे, और वो एडमिट कर देते हैं तुरंत। क्या रीजन है, क्या हुआ, क्या नहीं, तो सब देखते हैं लोग। हाँ दोस्तों, यही सब बताना था आप लोग को। यहाँ पे थोड़ा भी म्यूनसिपालिटी में दौड़ भाग तो करना पड़ता है, दूर दराके तो सुनना ही पड़ता है, पर लापरवाही नहीं करते। दोस्तों इधर जो कि मैंने सेफ्टी है, सिक्योर है, सब कुछ मैं अच्छा है, ऐसा नहीं है। भले वो लोग दो बात बोलते हैं बट अपने अच्छे के लिए बोलते हैं, तो यही बात है। और नीमा जो कि गई थी अकेले जो कि सोनोग्राफी कराने के लिए दोस्तों, और मालूम है आप लोग को क्या बोली डॉक्टर? डॉक्टर बोली कि अगली बार से मैंने अपने हस्बैंड को भी लेके आने का। जिधर ये फाइल जमा करते है ना, वो बोली अभी सातों महीना लग गया है, साथ में रिलेटिव चाहिए, या तो सास ससुर, सास ससुर बोल रहे हो, या तो सास जेठानी बहन लो, नहीं तो माँ, नहीं तो मैंने कोई, मैंने अपने फैमिली का ही मेंबर कोई चाहिए, रिलेटिव चाहिए, मैंने फैमिली का ही मेंबर, आजू बाजू के चाहे किसी को भी लेके नहीं जा सकते, अपने रिलेटिव मैंने चाहिए, अपने फैमिली मेंबर चाहिए, नहीं तो जो कि अंदर जो कि एंट्री नहीं लेगी, फाइल फेंक दूंगी, नहीं लाएगी तो कुछ होएगा तो हमारे ऊपर आएगा ना, कि हम बताते नहीं है पेशेंट लोगों की किसी को लेके आने का ऐसा वैसा, फिर हमारे ऊपर जवाबदारी आएगा, तुम लोग को कुछ होगा तो ऐसा। तो दोस्तों यही है, और इधर का जो कि रूल यही है, बट वो लोग भी सही बोलते हैं, अगर कुछ हुआ रास्ते में या हॉस्पिटल में तो कौन जिम्मेदारी लेगा इसके लिए, उन लोग का भी बात सही है, बट हमारी मजबूरी जो हम जानते हैं। तो मैं बोली हूँ इसके लिए दोस्तों, मैडम ऐसा ऐसा बात है, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे हस्बैंड बोलते जब जब आने का तो बोल देने का छुट्टी लेने के लिए, मैं बोली मैडम छुट्टी, अभी अगले बार से जब भी नहीं मैं जाएगी मुझे जाना ही पड़ेगा, तो बोलते कंपलसरी है ना, वो बोलती है कि वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमारा नहीं, हम बेटा तो हम बात सही है, उनका भी बात सही है, कोई बात नहीं है, मतलब अच्छे से बोली बेटा वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम है। तो चलिए दोस्तों, और बस यही दिखाना था और यही बताना था, और साइड में मैं आप लोग को क्लिप लगा दूंगी ये सोनोग्राफी का, आप लोग प्लीज क्लीन देख के बताइएगा कि आप जिसको समझ में आ रहा होगा कैसा क्या है, हमको तो इतना मत पता नहीं, और डॉक्टर लोग रिपोर्ट देखते तो डायरेक्ट बताते हैं सब नॉर्मल बोल दिया बस, ये नहीं बताया वेट कितना है, क्या मैं पूछी भी वेट कितना है तो वो बता ही नहीं, और हमको मुझे लगा कि वही वेट है, तो मैं इसलिए मैं आप लोग को बता दिया जो तो कौन सा है अभी हमको भी नहीं मालूम है, शायद वही होगा क्योंकि अभी तो बड़ा है बहुत ही, तो देखते हैं तो वेट बने तो देखेंगे, अगर हमको नहीं मालूम है तो आप लोग जरूर बताइएगा क्योंकि हमको तो मालूम नहीं है, तो शायद वही होगा, तो इसके लिए दोस्तों तो चलिए बस इतने आप लोग को दिखाना था। सो उम्मीद है आप लोग से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में कंटिन्यू हमारा ब्लॉग आएगा, और अभी शॉर्ट वीडियो भी जो कि हम लोग नहीं बना पा रहे थे, तो अभी हमेशा शॉर्ट वीडियो हमारा आएगा, तो क्योंकि हम लोग नहीं बना पा रहे थे क्योंकि नीमा, तो आप लोग को मालूम है किस सिचुएशन में हम लोग, तो इसके लिए हम लोग नहीं बना पा रहे थे। सो अभी जो कि कंटिन्यू हमारा रील्स भी आएगा, तो चलिए मिलता आप लोग से अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।